हेलो स्टूडेंट्स वेरी वेलकम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इन दिस वीडियो टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं जरूर तंग करता है फंक्शंस कैसे पढ़ें फंक्शंस को तो जब से हम क्लास ट्वेल्थ में आए हैं तो अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो हर कोई आपको फंक्शन शुरू करवाता है और फंक्शंस अगर हम डेप्थ में पढ़ना शुरू करते हैं आई जेई के लिए तो ये अनडाउटेडली वन ऑफ द लेंदीएस्ट एंड एट समाइम्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स बन जाता है आप बच्चों के लिए तो इसमें कुछ ना कुछ वैसा याद आता होगा फीलिंग जब प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हुआ था क्लास इलेवंथ में एकदम से तो बाउंसर जाते थे तो जब टीचर यहां पर डेप्थ में घुसता है तो ऐसा लगता है यार ये कौन सी मैथ शुरू हो गई एकदम से सडनली सो so, दो तो कैसे पढ़े फंक्शन क्या है इनपुट आउटपुट डोमेन रेंज कॉम्पोजिट फंक्शन सर पता नहीं क्या मैपिंग चल रही है कभी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड बिकॉज इट इज गोइंट टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड की फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कैसे करें अगर आप लोगों का टारगेट आई टी जे टू जीरो टू वन है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनडाउली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ यूर आई आई टीजे सिलेबस क्यों है अब वो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा यहां पर समझाना चाहूंगा कि वाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सो थर्टी थ्री परसेंट थर्टी थ्री परसेंट ऑफ मैथ पेपर

मूड बना रहे हैं वापस से पढ़ाई करने का सो so, आप नोटिस करेंगे इन सबकी एक बैकबोन है ठीक है ना बैकबोन चैप्टर होता है एक जहां बेसिक्स कराए जाते हैं जो इन चैप्टर में यूज होते हैं या फिर इन टॉपिक्स में यूज होते हैं वो बैकबोन कौन है वो बैकबोन फंक्शन टॉपिक है सो वेन एवर यू विल रीड डिफरेंशियल कैलकुलर इंटीग्रल कैलकुल्ड इफ यू वॉन्ट टू मास्टर दीज टॉपिक फंक्शन इज ए थिंग विच यू शुड नो इन एंड आउट

पढ़ सकते हैं पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब तक हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेसिक्स नहीं पता होते बेसिक ऑफ मैकेनिज्म नहीं पता होते हैं इंटरमीडिएट mechanism, रिएक्टरीज कौन से होते हैं वो हमें नहीं पता होता है हमें कैसे वो चेन बनती है कैसे वो रिंग फॉर्मेशन होता है कार्बोकटाइन कहाँ अटैक करता है स्टेबिलिटी क्या होती है रिंग फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी क्या होते हैं बड़े सारे पैरामीटर वो अगर आते थे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था सेम हैपन फॉर द दंक्शन टॉपिक इफ यू आर रियली गुड एट फंक्शन बिलीव मी

सो इट इज लेंदी एंड फॉर सम ऑफ यू इट माइट बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स एज वेल भैया आई आई टी निकालना है तो करना पड़े अब ऐसा तो नहीं है कि आप सोचो हलवा है सर बिना करे कर निकाल लेंगे क्या बहुत सारे लोग मैकेनिज्म बनाते रहते हैं दिमाग में सर चैप्टर छोड़ दें तो हो जाएगा क्यों छोड़ना है यार अभी आपके पास पेपर एक साल बाद है जेई मेंस की भी बात करते हैं तो उसमें भी अभी काफी टाइम है सात आठ महीने हैं बट अगर ये पेपर ये आपका बैकबोन स्ट्रांग हो गया ना आप डिफरेंशियल कैलकुलस तो ऐसे निकाल जाओगे क्योंकि कैलकुलस में

फंक्शन टॉपिक टू एक्चुअली क्लियर आई टीजे एडवांस आई एम टॉकिन आई टीजेस में आप फिर भी सफर नहीं करोगे बट मेन्स में भी कॉन्फिडेंस बनाने के लिए वो अब की बात कोई भी बंदा जो अगले साल के लिए पढ़ाई कर रहा है तुम्हारा टारगेट क्या सिर्फ कट ऑफ लाना है तुम्हारा टारगेट क्या सिर्फ तीस नंबर लाना है क्या मैथ्स में यू आर टारगेटिंग समथिंग विच इज ए प्लस आउट ऑफ हंड्रेड फॉर दैट फंक्शन इज वेरी नेसेसरी राइट right. so, हम सब लोग फंशक्स के ऊपर स्ट्रेस करेंगे क्या क्या टॉपिक होते हैं देखो डोमेन रेंज जी आई एफ फ्रैक्शन पार्ट सिग्नम फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन आते हैं जिनकी हम रेंज डोमेन और इन सब का कॉम्पोजिट करके क्वेश्चन बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में हम ग्राफ्स पढ़ते हैं प्रियोडिसिटी आता है ऑर इवेंट फंक्शन आता है आपका मैपिंग आता है वन वन ऑन टू इन टू इनवर्स बाइजेक्टिव मैपिंग्स इनवर्स फंक्शन और फंक्शनल इक्वेशन मोटा मोटा ये कैटेगरी हो सकता है मैंने एक दो कैटेगरी मिस कर दी बट बीज आर द टॉपिक्स विच यू शुड एक्चुअली स्टडी फॉर फंक्शन अब डिपेंड करता है आप कितनी डेप्थ में पढ़ते हैं दिस अब हो, हो जाए नहीं सर, हम पढ़ेंगे और जैसे मेरे पास अभी एक मेल आया था जिसमें बताया कि सर मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ जीओसी ही पढ़ाते गए तीन महीने मेरी ऑर्गेनिक आती ही नहीं मुझे क्योंकि आगे चैप्टर्स हुए नहीं ये बेवकूफी भी नहीं करनी है तो आप मान के चलिए आपको ये सारे टॉपिक्स का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास इन सारे टॉपिक सा तो एटलीस्ट इन प्लेस ठीक है ना बेसिक शुड बी इन प्लेस। बेसिक के जितना डेप्थ में आप जाना चाहते हैं दैट इज आपको कौन गाइड कर रहा है दैट इज वेयर टीचर कम इन टू प्ले क्योंकि डेप्थ में जाने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए ही चाहिए बिना गाइडेंस के आप नहीं पहुंच पाएंगे पहुंच भी जाएंगे तो आपको जो इतना टाइम है देखो एक बात समझो यहां पर तुम सब लोग टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं पर जब सिर्फ लास्ट के पचास दिन या साठ दिन बचते हैं ना तब तुम्हें समझ में आता है अरे यार उस समय वो उतना क्यों कर लिया मैंने उतने की तो जरूरत नहीं थी सो मेक श्योर यू आर राइटली गाइडेड अबाउट हाउ दीज थिंग्स हैव टू बी डन किस लेवल तक करना है तो अगर हम देखें हमारा सबसे पहला पड़ाव है अगले साल के लिए हमारा फर्स्ट माइल है जेई मीनस -E

अगर आप नए कैंडिडेट हैं आप फंक्शंस को पहली बार फिर से पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी के लिए सिर्फ बेसिक्स ही करके छोड़ें क्यों आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप डेप्थ में जाएं और बॉन्ड बनने की कोशिश करें बेसिक्स भी कर लेंगे तो भी काम बन जाएगा आप थोड़ा बहुत फंक्शंस जानते हैं पर श्योर नहीं है बेसिक्स को भी लेके तो आपको क्या करना चाहिए एक ऐसा रीजन में लैंड अप करना चाहिए जो कि नाइन्टी बच्चे होंगे जेई मीन्स और जेई एडवांस के बीच का लेवल क्योंकि अभी वो टॉपिक पे ऊपर प्योर मैं कहूं कि नहीं सर मैं तो यही एडवांस लेके उतर जाऊंगा फायदा नहीं है आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि सर मैं यहां पर किसी ना किसी तरीके से नाइन्टी नाइन परसेंटाइल बना लूँ एक एटलीस्ट बेस स्कोर बना लूँ क्योंकि अगर मेरा ये बेस स्कोर बन गया तो मेरे पास जनवरी से लेकर मई तक में मुझे पूरा पूरा चार महीने मिलने वाले हैं जहां मैं फिर से डिफिकल्ट टॉपिक से प्रैक्टिस कर सकता हूं तो एवरेज से ऊपर अबव एवरेज अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो आपका रीजन है ये वाला समथिंग बिटवीन जेई मीन एंड जे एडवांस एडवान जहां आप थोड़े से ट्रिकी पेपर क्वेश्चन uh, भी सॉल्व करेंगे और जहां पर आप बेसिक्स का मास्टरी कर लेंगे इन सारे टॉपिक्स को लेके बिकॉज आप नोटिस करो डोमेन रेंज ये सब डोमेन रेंज के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जी और फ्रैक्शनल पार्ट कंटिन्यूटी में भी यूज होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी यूज होगा कॉम्पोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूटी में भी यूज होता है आपका आगे चल के जगह जगह यूज होगा है ना ट्रांसफॉर्मेशन एरिया में भी यूज़ होता है कर्व स्केचिंग में यूज होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम में यूज होता है प्रियोडिसिटी के खुद के अपने क्वेश्चन बनते हैं और ये कर्व स्केचिंग में यूज होता है मैपिंग के खुद क्वेश्चन बनते हैं इनवर्स फंक्शंस जगह जगह हर चैप्टर में यूज होता है इनवर्स फंक्शंस और फंक्शनल इक्वेशन भी खुद में सो so ये सारे जो टॉपिक्स हैं खुद में एक एक क्वेश्चन बनने की क्या रखते हैं कैपेसिटी रखते हैं कैपेसिटी नहीं पेपर में आने की क्षमता रखते हैं एक होता है कैपेसिटी एक होता है पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी दे ऑल कैन बी आज इन पेपर चाहे वो जेई हो चाहे वो बेट सैट हो चाहे वो एमएचटीसीटी हो चाहे वो आपका डब्ल्यू बी जेई हो कुछ ना कुछ जरूर बन जाएगा इनमें से सो प्लीज स्टडी देम विद टू पर्टिकुलर आस्पेक्ट्स दैट आई हैव टू कवर बेसिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इफ आई हैव टाइम मैं एक पहले बीच की लेयर बनाऊंगा और उसके ऊपर एडवांस काम करूंगा अब इसमें क्या होता है ऐसे हाईली डेप्थ में जाने के चक्कर में अगर आपको हाईली डेप्थ में पढ़ाना है दो महीने लग जाएंगे टू मंथ्स हमारे पास दो मंथ्स नहीं है बच्चों वी डोंट हैव मंथ्स एट प्लेस हमें जनवरी फरवरी में फिर से पेपर आ जाएगा ऑलरेडी हम जून में आ चुके हैं छह महीना है हमारे पास जिसमें हमें ट्वेल्थ भी निपटानी है अभी इलेवंथ भी करनी है हम लोगों को सो दैट इज वाई मेक श्योर आप टाइम का पूरा पूरा इस्तेमाल करें तो इसके लिए अगर आप लोगों को डाउट है क्या करना चाहिए मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट डू बेसिक्स दैट इज वॉट वी guys आर ट्राइंग टू से और जैसा कि आज की वीडियो में हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैं तो इन्फिनिटी प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं आप प्लीज उसका एक बार स्ट्रक्चर देखो एंड हम लोग आपके लिए किसी ना किसी तरीके से वो अफोर्डेबल बने आपको ऐसा ना लगे कि यार मेरे को पैसा दिया और वेस्ट हो गया तो हमने मंथली सब्सक्रिप्शन रखी हुई है उसकी कि आप हर मंथ फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज दे सकते हैं फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज पर मंथ दैट्स इट जिसमें हम लोग क्लासेस क्या ले रहे हैं लाइव क्लासेस हमने आज की स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं बैच के उनके रिव्यूज़ डाले हैं अब देखिए एक्चुअल में बहुत मेहनत चल रही है उस कोर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए एंड विदाउट फेल वी कैन से यार बेस्ट आप लोगों का काम होता है डिसाइड करना हम ये नहीं कहेंगे हम बेस्ट हैं पर हम ये भी कह सकते हैं कि हम टॉप थ्री कोर्सेज अगर कोई आता है क्लोज भी आता है तो हम टॉप थ्री में भी नहीं टॉप टू में ही बैठे हुए होंगे इतना हाई क्वालिटी काम चल रहा है

और हम लोग फिर टेस्ट डिस्कशन सो so, देख रहे हो तुम कुछ भी नहीं बचा कुछ भी नहीं बचा तो उसमें तुम्हें सिर्फ डाउट ही आता है सर ठीक है ये तो सब दे दोगे पर पढ़ाओगे कैसे कैसा पढ़ा है तो आप लोगों को पता ही है कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ इस कोर्स के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी इतने वीडियोज मैथॉन को देखे प्लस हमने के कमेंट्स डाले आपके साथ शेयर करें आप कोरा पे जाके भी सर्च कर सकते हैं मैथन गो इन्फिनिटी प्रोग्राम के बारे में बच्चों ने थोड़ा थोड़ा लिखा है ज़्यादा नहीं बट आपके लिए यूजफुल रहेगा बिलीव मी गाइज इट इज रियली रियली अ प्रोडक्टिव कोर्स for J001, our target is first of all to make sure by J mains we'll cover your syllabus. and जो हमें फिर चार महीने यहाँ पर वापस मिलेंगे four months when we get four months here then again we will go for only difficult things only difficult things meanwhile in the remaining time we'll prepare you for not just J mains J mains and इनके बीच का लेवल हमारा target J mains पढ़ाना नहीं है आप अगर नोटिस करेंगे देखेंगे तो प्लीज जाके वहां जरूर देखिए आप इसके लिए क्या कर सकते हैं मैथॉन गो डॉट कॉम स्लैश इन्फिनिटी मैथॉन गो डॉट कॉम स्लैश इंफिनिटी प्लीज गो एंड एनरोल योर सेल्फ जिन लोग अब जो लोग अभी ज्वाइन करते हैं उनको जो पुरानी वीडियोस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी ये सारी चीजें मिलेंगी घबराना नहीं है डोंट थिंक इट सर मैं लेट हो गया हूं ज्वाइन करने के लिए थिंक लाइक दिस जो मिस कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है वो मिस नहीं होना चाहिए

छोटी छोटी टिप्स एंड रैकेट्स के साथ हम लोग आते रहेंगे काम करते रहेंगे आपकी इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे गॉड यू। पेपर फोर्डना है